तो देखिए सीडीएस आवास की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी भी जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं। और देखिए ये सलामी दी जा रही है, ये सलामी क्योंकि आखिरी बार सलाम किया जा रहा है और इस वक्त उन सारे कामों को याद किया जा रहा है जो किए गए सीडीएस रावत की ओर से देश के लिए, देश के नौजवानों को प्रेरित उन्होंने किया, देश के लिए जो सेवा उन्होंने हमेशा से की। चाहे बात अगर प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया जाए, उन्होंने भी सीडीएस रावत का जिक्र करते हुए मॉडर्नाइजेशन की बात की। और देखिए तिरंगा लहरा ये पार्थिव शरीर आज हर किसी की आंखों को नम कर रहा है। वंदे मातरम और सीडीएस रावत सिर्फ यही इस वक्त यहाँ से आपको सुनाई देगा, आखिरी बार सलाम करते हुए। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीर आप पांच कामराज मार्ग जनरल बिपिन रावत के आवास से देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग तिरंगों के साथ उन्हें याद कर रहे हैं, वंदे मातरम और जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारे लगाए जा रहे। आगे उनके मुख्य द्वार पर जो तैयारियां चल रही है, उन्हें आखिरी सलामी दी जा रही है। इस वक्त बस कुछ ही मिनटों में ये पूरा का पूरा जो काफिला आप इस वक्त जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो अब देखिए किस तरीके से तैयार होते नजर आ रहे हैं। ये जवान भी जो है अब मिलिट्री पुलिस के जो जवान है सवारी में सवार होने के लिए तैयार होते नजर आ रहे हैं। बस कुछ ही मिनटों में इसी रास्ते से सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। ये आप देख रहे गाड़ियों का अब मूवमेंट जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। उनकी सुरक्षा में यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री की जो गाड़ियाँ साथ में रहेगी, साथ में दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियाँ रहेगी वो भी अब जो धीरे धीरे मूव करती नजर आ रही है। आप देखिए आगे की अगर मैं आपको तस्वीर दिखा पाऊँ तो सबसे पहले आप देख रहे हैं भारतीय सेना के जवान, उसके बाद आपको दिख रहे होंगे सेना के जवान और उसके पीछे वायुसेना के जवान जो वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, सलामी देंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। और ये देखिए ट्रक धीरे धीरे अब उस गेट से, मुख्य गेट से बाहर आ रहा है, लेकिन अब ये तैयारी, ये देखिए ये जवान जो है पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जयकारा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, दूसरी तरफ अंतिम यात्रा बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तस्वीर में आपको दिख रहा होगा उन्हें सलामी दी जा रही है आखिरी बार इस आवास में। उसके बाद वो जो ट्रक है जिसमें उनका और मिसिस रावत का पार्थिव शरीर रखा गया है वो अब बाहर निकलेगा, किसी भी क्षण वो बाहर निकलेगा क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी है। यहाँ पर लोगों के हाथ में गुलदस्ते हैं, पोस्टर्स है, तिरंगा है, तिरंगों के साथ लोग जो है सीडीएस जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारेबाजी जो है वो करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर ये तस्वीर सीधी आप देखिए, सब तैयार हो चुका है, बस इंतज़ार है कि कब वो ट्रक बाहर निकले, उसके बाद ये अंतिम यात्रा की शुरुआत हो। देखिए यहाँ से सीधे राजाजी मार्ग लेते हुए वो तीन मूर्ति की ओर मुड़ेंगे, तीन मूर्ति से ग्यारह मूर्ति से लेफ्ट लेते ही सरदार पटेल मार्ग पर पहुँच जाएंगे। सरदार पटेल मार्ग जैसे ही उतरते ही सीधे धोलाकुआ रोड के तरफ जाते, वैसे ही फर्स्ट लेफ्ट होते ही यूटर्न लेते हुए रिंग रोड से ये पूरा का पूरा काफिला जो है परार स्क्वायर क्रीमेटोरियम के लिए रवाना हो जाएगा। ये मुख्य द्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर देखिए बैंड की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, जो मैं आपको बता दूँ जो सलामी दी जा रही है उन्हें वो कहीं ना कहीं वो और वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं।
जिस पर इनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा हुआ है, और इसके अलावा इनकी जो पत्नी है मधुलिका रावत, उनकी उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा हुआ है, उसकी तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। यहाँ सीधे तीन कामराज मार्ग से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सेना का ये ट्रक, ये वो वाहन जहाँ से सीधे जनरल विपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ ले जाया जा रहा है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज इन्हें अंतिम जो विदाई है वो दी जा रही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है एक झलक पाने के लिए अपने अपने यहाँ की। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। पूरे सैन्य सम्मान के साथ जो अंतिम विदाई है इन्हें वो दी जा रही है, और यहाँ से जो तय रूट है वहाँ ले जाया जाएगा ये जो पार्थिव शरीर है इनका, और इनकी पत्नी का भी पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है, और उसकी तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। देखिए शत शत नमन के जो पोस्टर्स बैनर्स हैं जीवन काल के, उनके अलग अलग तस्वीर भी इस पीछे पीछे आपको नज़र आ जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की किस तरीके से जब आखिरी सफ़र पे निकले। अरे तो देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे ये सीडीएस जनरल विपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक सामने यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ से अब ये जो काफिला है निकल पड़ा है अनंत सफ़र की ओर, शत शत नमन पोस्टर्स बैनर लेकर के दिल्ली की जो जनता है, जो सीडीएस जनरल विपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी अंतिम सफ़र पर, और उनका भी पार्थिव शरीर इस वाहन पे सवार है। दोनों आज पंचतत्व में विलीन होंगे। 2:19 जिसके देखिए एक लोगों का जो हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सेना के तमाम वो अधिकारी भी, सैन्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से सीधी तस्वीरें अब आगे पूजा आपको दिखाएंगे, इसके अलावा शिवम आपको दिखाएंगे और हितेन भी आपको दिखाएंगे। पूजा देखिए ये काफिला जो है यहाँ से निकल गया है, कितने किलोमीटर की दूरी पर आप हैं? और चूँकि यहाँ से निकल गया मेरे ख्याल से 10 के बाद या 7 के बाद ये तस्वीरें आप तक सीधी पहुँच जाएंगी। पूजा यहाँ से ये काफिला निकल चुका है अंतिम सफ़र पर, सीडीएस जनरल विपिन रावत निकल पड़े। बिल्कुल, काफिले की शुरुआत वहाँ से हो गई है, काफिला वहाँ से रवाना हो गया है, और कुछ ही देर में जो है यहाँ 11 मूर्ति मार्ग पर मैं मौजूद हूँ। और मैं अब देख रहे हैं सांसद मनोज तिवारी जी मौजूद हैं, अपने हाथों में श्रद्धा सुमन अर्पित वो करने वाले हैं। जब सीडीएस विपिन रावत का जो काफिला, उनकी जो अंतिम यात्रा है यहाँ से गुजरेगी, सर क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी क्षति देश की? बहुत बड़ी क्षति है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि यह पुरुणीय क्षति है, लेकिन ये जनरल बिपिन रावत जी का, उनकी पत्नी का और 11 हमारे वीरों का जाना एक वास्तव में ऐसी क्षति है जिसको पूरा करने में देश को बहुत मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब ऋणी हैं बिपिन रावत जी के, और मैं वहाँ दर्शन करके आया, अंतिम दर्शन, अब उनकी अंतिम यात्रा को हम लोग उस पार्पित करने के लिए हमारी सब लोकसभा के भी लोग यहाँ आए हुए हैं, तो शब्द नहीं है कैसे कहें क्या कहें। ये देश का एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा क्षति है। बिल्कुल, देश ही नहीं और परिवार वालों के लिए, देखिए उनकी बेटियां जब आज फूट फूट कर रो पड़ी, पूरा देश भावुक हो गया। मैं गया वहाँ पे, गया था, उनसे बेटियों से नज़र मिलाना भी मुश्किल हो रहा, लेकिन फिर भी वो बेटियाँ अपनी भावनाओं को संभाल के जिस प्रकार से खड़ी हैं, उनको भी हमें सैल्यूट करना पड़ेगा। जो उनकी अंतिम यात्रा है उसी हाइफा चौक से 3 मूर्ति से होते हुए गुजर रही है, और देखिए लोगों का जोश देखिए यहाँ पर, अपने
वीर नायक अपने सेना नायक को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हाथों में तिरंगा झंडा लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए से राजा जी मार्ग से लोग हैं। ये तीन इस रफ्तार को मैच करने के लिए सरदार पटेल मार्ग और सरदार पटेल मार्ग से होते हुए ये पूरा का पूरा काफिला जो है अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगा। देखिए ये सीधी तस्वीर है और लोगों में देखिए मतलब किस तरीके से लोग एक व्यक्ति के लिए सड़कों पर है और सबसे ज्यादा युवा है, यंग लड़के हैं, बच्चे हैं जो यहाँ पर तिरंगों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम और देखिए यहाँ पर बंद तो अमर रहे जनरल रावत, अमर रहे के नारे युवाओं के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते कि एक तो भारत देश के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ये जो युवा पीढ़ी जिनका भविष्य आगे जाकर बहुत सफल भी हो सकता है, अब उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये, क्योंकि वो एक उम्मीद रखते थे, क्योंकि युवाओं को जिस तरीके से हमेशा जनरल रावत मोटिवेट करते थे, चाहे वो भारतीय सेना के हो, एनसीसी के हो या फिर जहाँ भी वो लेक्चर देने जाते थे तो हर जगह पर वो युवाओं को मोटिवेटेड करते थे। यही खासियत है कि आज देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से युवा बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगे लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय, और उनका कोई रथ अंतिम सफर पर निकला हो उस तरह उस रथ को देखो किस तरीके से छूते हुए सब आगे रवाना हो। ये अंतिम यात्रा है, यहाँ से जब ये अंतिम यात्रा पूर्ण होगी तब उनका अंतिम सफर शुरू होगा, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मैं बेहद यहाँ से अपने कैमरा पर्सन को अगर मेरा कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा पाए जो मतलब किसी रथ को कैसे छू कर मतलब एक उनका कोई भगवान या उनका कोई पिता, उनका कोई अपना उनसे जुड़ हो गया हो, उस तरह सारा युवा, देश का युवा आज हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर दौड़ रहा है, वंदे मातरम, भारत माता की जय की नारेबाजी कर रहा है। कुछ युवा हमारे साथ भी है, क्योंकि युवा हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ रहा ऐसा है, ये आज हमारे लिए बहुत दुख का दिन है। और जवान फौजी हो अपने देश का नाम ऐसे ही रोशन करे जिस तरीके से इन्होंने रोशन किया है, हम आज ये युवा इनके पीछे हेलो हाँ ऑडियो नहीं आ रहा सही, अब आ रहा है सही, अब चेक करिए, अभी भी खराब आ रहा है। चलो भाई तो आप सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, तमाम जो सीधी तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं अंतिम यात्रा की सीडीएस बिपिन रावत की, और के साथ ही आप देख रहे हैं काफिला जो है निकल पड़ा है उनके आवास कामराज मार्ग से, और जो रूट तय किया गया है वो यहाँ कामराज मार्ग से होता हुआ तीन मूर्ति मार्ग और फिर 11 मूर्ति मार्ग से सरदार पटेल मार्ग धोलाकुआं होते हुए जाएगा। 4 बजे का वक्त रखा गया है। आज देश का हर वो शख्स जो शायद उनसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा था और नहीं भी, लेकिन आज सभी की आंखें नम हैं, और ये माहौल और गमगीन तब हुआ जब उनकी बेटियों की आंखों से आंसू निकल पड़े, फूट फूट कर वो रो रही थी, अपनी बेटियों को अपनी शान माना करते थे, और आज उनकी बड़ी बेटी उनको मुखाग्नि देगी जब जो है ब्रार क्रिमेटोरियम ग्राउंड पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल अंतिम सफर निकल पड़े हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत, और देश आज वाकई शोक में डूबा हुआ है। आज देश उरी का वो मंजर याद कर रहा है, आज देश हर उस मोड़ को याद कर रहा है, चाहे वक्त हो पाकिस्तान को लताड़ने का, चाहे मौका हो
चीन को धमकाने का, आज जब 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 उनका नाम आता था तब किस तरह से पाकिस्तान और चीन घबरा जाते थे वो तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी। और ये सब करने वाले थे केवल और केवल CDS बिपिन रावत। आज अंतिम सफर पर निकल गए हैं और आज हाथों में तिरंगा लिए केरल से कश्मीर तक हर कोई, सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है। बस हर किसी की जो कोशिश है उनकी एक झलक पाने की है। जन सैलाब का जो मंजर था वो हमने उनके आवास कामराज मार्ग पर भी देखा और वहीं हम जो लोग उनके दर्शन नहीं कर पाए वो जगह जगह इकट्ठा हो रहे हैं, उनके अंतिम सफ़र में शामिल होने की भरसक प्रयास कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जो है अंतिम यात्रा, किस तरह से राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा CDS बिपिन रावत का। तो लगातार तस्वीरें आपकी TV स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, तमाम अपडेट्स आपको दिला रहे हैं कि किस तरह से पूरा जो है सफ़र अपना तय करेंगे दिल्ली कैंट के बरार क्रिमेटोरियम ग्राउंड से। और आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा, उत्तराखंड जहां से वो आते हैं 3 दिन का राजकीय शोक वहां पर रखा गया है। वहां के भी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर आए, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम नेतागण यहाँ मौजूद थे और सब उनकी उपलब्धि को याद कर, उनके परिवार की स्थिति को देख सबके आज आंखें भर आई थी, सब आज याद कर रहे थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में जिस तरह से CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उन्होंने उनका निधन हुआ उसको लेकर स्तब्ध है पूरा देश, अब तक यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। और देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जन सैलाब इस अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा है, हर कोई यहाँ पहुँच रहा है, चाहे TV के जरिए हो, चाहे डिजिटल माध्यम के जरिए हो, हर कोई बस इसमें शामिल होना चाहता है, एक एक पल को अपनी आंखों में कैद करना चाहता है। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जन सैलाब CDS बिपिन रावत के लिए किस तरह का प्यार और स्नेह और जो उनके जज्बातों को सलाम करता हुआ आज हर हिंदुस्तानी, हर देशभक्त, उसकी तमाम जो फीलिंग्स हैं आज वो सब उमड़ उमड़ कर बाहर आ रही है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उनके कामराज मार्ग स्थित आवास से काफ़ी निकल चुका है और बड़ा जन सैलाब यहाँ पर दिख रहा है। और साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से आज हर शख्स उन्हें सलाम कर रहा है, उन्हें सल्यूट कर रहा है और उनका ये राजकीय बनाना चाहता है। और वही ये जो तमाम जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है, हाथों में तिरंगा लिए। और हितेन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हितेन, ओवर टू यू। आप इंतजार कर रहे उनके वीर सेना नायक यहाँ से गुजरेंगे तो उनको श्रद्धांजलि दे पाए। ये देखिए लंबा काफिला फूलों से लदी इस गाड़ी में जिसमें के पार्थिव शरीर के साथ साथ हिंदुस्तान की टीम जा रही है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, युवा एक तो सड़कों पर हाथ में तिरंगों के साथ दौड़ रहे, लेकिन सड़क के दोनों किनारे बड़ी संख्या में लोग तिरंगों के साथ खड़े हैं, फूल अर्पित करते नजर आ रहे, अंतिम दर्शन कर रहे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे।